अग्रवाल ने काफ़ी यानी मई से जून से उनको यह चीज़ हुई जयपुर वालों की, तो उन्होंने कहा कि हम करवा रहे हैं, आप दिक्कत मत रहो। प्राइम मिनिस्टर अपनी समझौते के थ्रू आपने अपनी जो सारी भैया उसने कहा था कि आपकी बैंक में लिमिट बढ़िया बन जाएगी, आपकी सेल एक्चुअल में हम उससे मार्बल का रॉ मटेरियल खरीदते थे, तो उसने कहा आपकी बिल बुक दीजिए, हम इसमें सेल परचेज कर देंगे बढ़िया, तो फिर आपको क्या बैंक में लोन लेने में आसानी रहेगी, तो आप वो काम कीजिए। तो हमने लोन के लिए उनको सेल और परचेज करने के लिए उनको बिल बुक दे दी, उन्होंने सेल परचेज करके अपना हमें कहा कि हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, 1 पैसा 2 पैसा देंगे, पर जब पैसा लेने की बात आई तो कोई उन्होंने पैसा दिया नहीं है, कोई हिसाब नहीं किया है। कह रहे हैं कि कोई पैसा ऐसा नहीं है, नोटिस आप जानो, आपका काम जाने, बिल बुक आपकी है, मेरा क्या लेने देना है, मेरे लिए कौन कहेगा। अब आप आगे क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई है? सब आगे तो यही है कि कार्रवाई करने की डिपार्टमेंट से बात करके आ गए, सब डिपार्टमेंट कह रहा है फर्म आपकी है। सर मेरी फर्म में 2 फर्म है, मेरी हस्बैंड और मेरी और मेरी वाइफ की, उसमें सर 2 करोड़ का नोटिस है। क्या करते हैं सर? मैं तो अपने मार्बल एरिया में नौकरी करता हूँ। 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, 10 से 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब वो आदमी क्या पूरा फैल चुका है कि साहब मेरा क्या कर लेगा डिपार्टमेंट। आपका नाम बताओ? भवानी शंकर सैनी। उसके फादर आए थे कि बोले भाई मेरे को बैंक का काफ़ी नॉलेज है और आपका टर्नओवर अच्छा हो जाएगा और आपके सेल परचेज रहेगी तो आपको लोन लेने में आसानी रहेगी। तो इस लोभ में हम आ गए और हमने इसको बिल बुकें दे दी। जब हम इससे पूछते थे भाई हमारी बिल बुकों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप कोई टेंशन मत लो, आपके अच्छा हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके सेल परचेज बढ़िया हो रही है। फिर हम हमारे काम धंधे में लगे रहे। फिर एक दिन हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आया, जब हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई, भाई क्या हुआ एकदम। फिर हमने उससे संपर्क किया कि भैया ये क्या बात है, बोला ये सब मेरा रोज का काम है, मेरी सेटिंग है, मैं ये सब कर लूँगा, आप इसमें टेंशन मत लो और ये मेरी आगे चल रही है सेटिंग, आप इसमें कोई टेंशन मत लो। उसने क्या लालच क्या दिया था? लालच कुछ नहीं दिया सर, उसने यही बोला था कि भाई आपके टर्नओवर रहेगा, आपको लोन मिलने में, उसके फादर तो आप लोन के चक्कर में लोन मिलने में आसानी रहेगी, आपकी सेल परचेज अच्छी रहेगी। आपका आप क्या बीती जब आपको एकदम नोटिस ये हुआ सर? जब हमारे तो मतलब सुख चैन। कितने का बिल काट दिया उन्होंने? टर्नओवर कितना? उन्होंने सर काफ़ी काट दिया, अभी पूरी डिटेल तो मुझे पता नहीं है सर, मैं अभी मुख्यालय में मुझे पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ बहुत गलत हुआ सर। अच्छे सर, आपने क्या कार्रवाई आगे? सर हम सब पीड़ित पक्ष जो है, हम सब लोग अभी गांधीनगर थाने जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने। आपका नाम? मोनू टाँगे सर मेरा नाम।